नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं बिहार में बाबा साहब की जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में लोजपा की होने वाली रैली को सफल बनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए मुंगेर में लोजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक और कहा आगामी विधानसभा चुनाव में लोजपा मुंगेर के 2 सीटों पर करेगी दावेदारी। मुंगेर में किला परिसर स्थित शहीद स्मारक भवन में लोजपा का 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोजपा जिला अध्यक्ष राघवेंद्र भर्ती ने की और मंच संचालन युवा लोजपा के जिला महासचिव रंजीत पासवान ने किया। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश पर लगातार केवल मुंगेर नहीं बल्कि बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार बैठकें चल रही हैं। मेरा सदस्यता अभियान चल रहा है। 14 अप्रैल को जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर गांधी मैदान में एक रैली होना है, महारैली होना है, इस संदर्भ में लगातार विभिन्न जिलों में बैठक चल रही है। इसी उद्देश्य से आज मुंगेर में भी बैठक चल रही है और संगठन की मजबूती के लिए भी बैठक चल रही है। जा रहा है जो उम्मीदवार हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो खड़ा होंगे या खड़ा होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें 25,000 लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराना होगा और जितने बूथ हैं उस विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर बूथ कमेटी बनाना होगा। इस पर हमारा काम चल रहा है। फोकस लगातार पंचायत स्तर पर जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। आज कितने सदस्य बने आपके लोजपा पार्टी में? जी अभी तक लगातार चल रहा है, अभी टोटल ये नहीं हुआ है, लेकिन हमारा मकसद है इस जिले से 50,000 सदस्य 50,000 सदस्य इस जिले से बढ़ाए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। 1,00,000 जिले में कितने का टारगेट है? अच्छा 1,00,000 का टारगेट रखा गया। वो क्या लक्ष्य आपका पूरा हो सकेगा? पूरा काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, गति से चल रहा है। हमको 28 फरवरी तक ये लक्ष्य रखा गया है, काम चल रहा है लगातार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र विवेक। क्या है आप? प्रदेश महासचिव सह मुंगेर संगठन प्रभारी। बोलिए ना, जब पूछिएगा तब। तैयारी है कि पटना गांधी मैदान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस रैली में भाग लेंगे जी। हम 24 तारीख को पटना गांधी मैदान में अम्बेडकर जयंती 14 फरवरी को 14